तो केरला में बारिश का सुंदर मौसम शुरू हो गया है। मैं अपने क्लास की ओर जा रही हूँ और हमेशा की तरह मैं लेट हूँ। एक्वेरियम की लाइट तो ऑन कर देते यार। यहाँ लेट होने पर फुल कॉमेडी सीन्स देखने मिलते हैं। बैकडोर से क्लास का एंट्रेंस है और प्रोफेसर फ्रंट में पढ़ा रहे होते। खतरों के खिलाड़ी तो हम हैं ही, तभी तो MBBS लिया है। अटेंडेंस के लिए हम कुछ भी बन सकते हैं, चार पैरों वाले जानवर भी। अब जानवरों में मेल फीमेल का डिफरेंस तो नहीं करना चाहिए ना, फेक फेमिनिज्म नहीं आता हमें। हम सब लास्ट बेंच पर चीयरलीडर की तरह चेयर कर रहे हैं कि अब तो अंदर आ जाओ यार। इन बेचारों को तो सब्जेक्ट भी नहीं पता होगा। क्लास थोड़ा जल्दी एंड हो गया तो हम क्लिनिक्स जाने के इंतज़ार में बैठ गए। सोचा था मैंने कि वॉइस ओवर करूँगी वीडियो पर, बट फिश मार्केट जैसे आवाज़ों से तो नहीं मिला सकती ना आपको। सुबह 8 बजे की क्लास के लिए सब उठते ही 7:55 में। क्लिनिक्स में जाने से पहले नहाना कंपलसरी, पर नहाना तो है नहीं इन्हें, सो परफ्यूम ही क्लास ले आते हैं। अपने फ्रेंड का परफ्यूम ही छीन लिया और ऐसे यूज़ किया जैसे मानो कि मेरी बहन का हो। सच बोलूँ तो स्मेल बड़ा बेकार था, बट वेस्ट करने में भी बहुत सुकून मिला। अब चलते हैं दूर क्लिनिक्स की ओर, जो सच में दूर है। ये फॉरेंसिक मेडिसिन की बिल्डिंग ने हमारे लिए अब तक सिर्फ लैंडमार्क का ही काम किया है। मेरी गायनिक की पोस्टिंग है और अब वो कुछ दिनों में ही एंड होने वाली है। देन फिर से एक नई पोस्टिंग और एक नया सफ़र। बट कुछ भी बोलो, गायनिक की पोस्टिंग में भीड़ बहुत रहता है। हॉस्पिटल में सेपरेट क्लासरूम्स है और हर एक डिपार्टमेंट के लिए डिफरेंट क्लासरूम। हॉस्पिटल नहीं मानो, भूल भुलैया है, फुल कॉम्प्लेक्स। क्लास में हमारे दो दो AC हैं, बट चलाएंगे ये बस एक ही। इतना पैसा बचाकर चैरिटी जो करना है इन्हें। हाँ यार, फ्रस्ट्रेशन में बैठी हूँ। वार्ड की पोस्टिंग शिफ्ट करके OT यानी ऑपरेशन थिएटर की पोस्टिंग कर दी गई और OT ड्रेस तो है नहीं हमारे पास, तो मजबूरन हमें भागना पड़ा अपने OT स्क्रब्स लाने के लिए हमारे हॉस्टल। फिर हम पहुँचे लेबर रूम एरिया में। कुछ भी कहो, OT स्क्रब्स पहन के अच्छा तो बहुत लगता है। माना कि सेकेंड ईयर में कुछ करना नहीं होता, बस देख कर सीखना होता है, प्रोफेसर से डिस्कस करना होता है, बट OT स्क्रब्स में सर्जन्स वाली फील ज़रूर आ जाती है। OT में मैंने बहुत चीज़ें देखी, बट एक न्यूबॉर्न बेबी की डिलीवरी देखना मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। सच में यार, दिल में वो मोमेंट समेट कर रखा है मैंने। हाँ, डर तो लगा था सीजेरियन देखने में, बिकॉज फर्स्ट ईयर में हम कैडेवर पे काम करते हैं, ब्लड्स नहीं होते उसमें, और अभी फुल ब्लड कट्स इक्विपमेंट्स देखकर घबराहट तो हुई थी मुझे, बट कहते हैं ना आदत हो जाती है। तो आज का केस एक PCOS पेशेंट का था, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। 2 घंटे कंटिन्यूस ऑपरेशन थिएटर में खड़े होकर बहुत थक गई थी मैं, और फिर अटेंडेंस का इंतज़ार करने लगी। सांस लेना भूल सकते हैं, बट फ़ोन यूज़ करना तो कभी नहीं। फिर OT ख़त्म हुआ और फिर हमें भूख लगी, हमारा लंच ब्रेक हुआ। लंच ब्रेक में हम वापस हॉस्टल जाना पड़ता है, इतना दूर, एंड देन आफ्टरनून सेशन के लिए वापस कॉलेज जाना पड़ता है। आफ्टरनून सेशन में लोग पढ़ने कम सोने ज़्यादा आते हैं, बट किस्मत से स्ट्रिक्ट प्रोफेसर ना हो तभी। आज किस्मत ने भी साथ नहीं दिया, तो सोचा मैंने कि ध्यान से फार्माकोलॉजी ही पढ़ लिया जाए। क्लास ख़त्म होने का वेट था कि रूम में जाकर सो सकूं। सो नेक्स्ट ब्लॉग में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय।